शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिवरात्रि के दिन पृथ्वीलोक में जाने की क्या आवश्यकता है? पृथ्वीलोक में भी शिव जी की महिमा महान है। इस वर्ष की शिवरात्रि वहां मनाई जाए तो क्या हर्ज है? बेटी, स्वयं अनुभव प्राप्त करने की बजाय बेहतर है कि हम दूसरों के अनुभव से शिक्षा लें। पृथ्वीलोक में जाकर कई नाग पकड़े गए हैं, इनकी जानकारी मुझे दे, वहां जाए खतरा है। पिताजी, शिव जी के दर्शन में क्या खतरा, वो तो महादेव है। महादेव भोलेनाथ भी, किंतु सिर्फ हर हर महादेव से वह प्रसन्न नहीं होते, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना और भक्ति की आवश्यकता है। पिताजी, हम लोग संभल के जाएंगे, जान दीजिए ना। अच्छा बेटी, जैसे तुम्हारी इच्छा। रात्रि है ना, आप हमें कैलाश नगर के मंदिर में दर्शन कराने नहीं ले जाएंगे क्या? नहीं बेटा, वह जाना खतरे से खाली नहीं। ठाकुर जोरावर सिंह के साथ हमारी बरसों से दुश्मनी चली आ रही। ये दुश्मनी क्या होती है पिताजी? तुम नहीं समझोगे बेटा, तुम लेकिन नहीं। पिताजी, ये नहीं हो सकता कि दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए? बदल सकती है अगर दोनों राजी हो। ताली एक हाथ से नहीं बजता बेटा। हम ताली वाले को नहीं समझते, आपको ले जाना पड़ेगा, जरूर ले जाना पड़ेगा। अरे कहोगी बेटा, जिद नहीं करते। अगर आज मेरी माँ होती तो मुझे जरूर ले जाती। जो प्रभु की इच्छा। अच्छा, तुम जीती और मैं हारा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जरूर।
सजधार में डूब मरूंगी, मुझसे किनारा मत छीनो। नन्ही मुन्नी बच्ची पे करो मेहरबानी, भूल जाओ नागरानी, ओ नागरानी माँ कल की कहानी। मारने वाले को कभी क्षमा नहीं कर सकती। नाकुल से हित्र उस मासूम बच्चे की पुकार इतनी करुण थी कि मैं कुछ नहीं कर सकी। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी वही करते जो मैंने किया, और फिर उस बाप के पाप की सजा बेटी को क्यों? क्या ये न्याय है? लोग ये नाग लोग है, और नाग लोग का न्याय यही कहता है कि तुझे बदला लेना ही होगा। तुम तेरा सुहाग वापस चाहती है तो उसे फिर से जिंदा करने का समय बीत जाए उसके पहले जाना ही होगा। जा, द्वार खाली गया, दुश्मन जंगल में आकर निकल गया। लेकिन बापू प्रतिज्ञा करता हूं आज की रात उसकी आखिरी रात होगी।
लेने आई थी, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा माँ, पिताजी पिताजी, हत्यारा मर गया, मेरा स्वाग लौटा दीजिए। लेकिन तुमने बदला नहीं लिया। बदला लेने ही गई थी, लेकिन वो आग में जलकर मर गया, उसे मौत की सजा मिल गई। मरे हुए को मारने का कोई उपाय बताइए, नहीं तो मेरा स्वाग लौटा दीजिए। मणिधर, अमृत कलश लाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिताजी, सुखी रहो। हवेली में रहने वाली बेटी आज हुई रे अकेली। तेरा बाप 50,000 रुपया लाकर हमको नहीं देगा, तब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं, समझी? जरा सोचो तो सही, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, और ये 50,000 का सवाल है। 50,000 रुपए? और क्या कंजूस, मक्खी चूस, तुम बाप होके कसाई,
तुम नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, मैं खुद जाऊंगी। मेरे बाप के घर के सारे गहने देकर मैं अपने बेटी को छुड़ा के लाऊंगी। मैं अपने गीता को लेकर के आऊंगी। गीता, 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 बेटी, आ गई तू बेटा, कैसे तू? खाना खाया तूने? अच्छी तरह? सुनिए, अपनी गीता आ गई। हाँ, आने वाली थी, आ गई है। मेरे 50,000 बच गए। हाँ, 50,000 बच गए, मेरी बेटी आ गई। अरे गीता, ये तेरे साथ कौन आया बेटा? गौरी। गौरी, गौरी है? अपने ना आएगी? हाँ, क्यों बेटा? तू कहाँ रहती है बेटा? मेरा कोई घर नहीं है। कोई घर नहीं है? और माँ बाप? मेरे माँ बाप भी नहीं है। माँ बाप भी नहीं है? अरे अरे, तो फिर यही है ना? पीर दिया ने भी बोला, यहाँ क्यों रहेगी जी? कमाल हो जी। अरे कुछ तो समझा करो, वो सूट के बदले तुम बछिया लाए हो ना? बछिया उसका काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो कर दिया करेगी और दो रोटी खा लेगी। क्यों बेटी, करेगी ना काम? दो ही रोटी खाना है? हाँ हाँ, जा बेटी इसे अंदर ले जा संभाल के। अरे देख बेटी, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। तू कहाँ आ गई? ठहर जा यहाँ। आ बेटी, वाह, देख 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 देख। अरे देख यहाँ, देख, तेरे लिए लड्डू लाया हूँ असली घी के। तू क्या गुड़गुड़ से लेके जा? चल जा बेटी, चल चल, मैं मेरे हाथ से तुझे खिलाऊ। अरे वाह भाई वाह, असली घी के लड्डू है। अरे सुनती हो भाव बंटी? अरे लक्ष्मीचंद सेठ के बेटे की सगाई में ये लड्डू दिए असली घी के। अच्छा। अरे वाह, मैं भी तो जरा चखूं कैसा है। उन्हीं में दुकान है। तू क्या ढूंढ के देखती है? हाँ, तेरे को दिखा दिए। ये अरे कहाँ ना थोड़ा करना। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। अरे अरे अरे, अरे ये क्या कर रही थी? ये क्या कर रही थी मेरे घर में? नागदेवता की पूजा, आज नाग पंचमी है ना? नाग पंचमी की बच्ची, ये सब कुछ नहीं चलेगा मेरे घर में। सारा घर बिगाड़ दिया। मेरी बच्ची आएगी तो डर जाएगी, काम तो कुछ करती नहीं। ये ले पानी भर के ला और देख, हरी घास भी काट के लाना बच्चिया के लिए, समझी? अच्छा माजी। अरे जा माजी की बच्ची, नाग पंचमी है। देवी क्या बात है, इतनी व्याकुल क्यों हो? आज तो मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। मैंने गौरी बेटी को ऐसे घर में डाल दिया है जहाँ ना प्यार मिलता है ना खाना, और अब तो उसे घर से निकालने वाले हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। बस इतनी सी बात सुनो। तो फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं। चलो। हे नाग देवता, मेरी पूजा अधूरी रह गई थी ना, मुझे माफ करना। इसमें मेरी माँ का कोई दोष नहीं है। मैंने एक दीवार गंदी करी थी ना, इसमें माँ ने मुझे डांट दिया, उनको माफ करना। नागदेवता। बेटी सोना मोर लेने, तुम रोज यहाँ आना। हाँ माँ। माजी, ओ माजी। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही है? मैं क्या बहरी हूँ? देखो मैं क्या लाई। क्या लाई? अरे ये तो सोना मोर है। सोने की मोहर? सोने की मोहर कहाँ से? मैं लाई, बापू हर रोज लाऊंगे। अच्छा, अभी पानी लग गया। दूध लाएगी? 100 अंश का खरा सोना है। सच?
हाँ अभी उसके बराबर खातिर करना। सोना मुड़ मिलेगी। हाँ तो खजाना यहीं पर छिपा हुआ है। रात को आएंगे और फिर समझती क्यों नहीं बेटी का ब्याह माने बाप का दीवाना। देखो जी मैं बताई देती हूँ मुनाफा हो या दीवाना। मैंने तो आज पंडित बेनी माधव को बुला ही लिया है। हाँ अरे उन्हें अच्छे घर और वर का पहले से ही पता रहता है। पंडित बेनी माधव? हाँ अरे वो तो काम पीछे करता है पहले दक्षिणा लेता है। दक्षिणा बाद में काम पहले आज्ञा कीजिए यजमान। पंडित जी बात ये है ना कि पंडित जी क्या बात है गीता के लिए सबसे ऊंचा घराना बरसों से मेरी नजरों में है। कौन सा घराना पंडित जी जल्दी बताइए ना। कैलाश नगर के ठाकुर जोरावर सिंह का सबसे छोटा बेटा वो रहा है मंजूर। मंजूर पंडित जी एकदम मंजूर कैलाश नगर के ठाकुर। अरे पंडित जी बस ये रिश्ता तो पक्का करवा दीजिए। अच्छा अच्छा आपको मंजूर है। मंजूर लेकिन एक शर्त है। बोलो। दक्षिणा लेने की लेकिन उनसे हमसे नहीं। मंजूर नमस्कार। अब पंडित जी ऐसा है कि शादी आनंद को करनी है तो उससे पूछ लेना जरूरी है। इसे देवाजी से क्या पूछना है वो तो बच्चा है वो क्या पसंद करेंगे पत्थर। पत्थर पत्थर हो तो पत्थर और अगर पारस हो तो पारस। जो भी पहचान करना होगा भाभी मैं खुद ही पहचान करूंगा जाकर। अरे आनंद पंडित जी है प्रणाम कर। ये तुम्हारे लिए रिश्ता लाए। तुम ऐसा करो जाकर लड़की को देख लो और मन भाए तो शादी तय कर देना। तू तो जानता है हमारे घर में पलना नहीं बंधा। परवाह मत करो भैया मैं परसों ही वहाँ पहुँचता हूँ पहचानता हूँ और परिणाम आकर बताता हूँ। शाबाश। ये तुम्हारे जेठ भी अक्कल के ब्रह्मचारी हैं। तेरी बात में बता दिया कि बाल हैं। हम बाल हैं। माँ अब थोड़े दिन बाद तो गीता भी चली जाएगी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी पक्की कर दी। मेरा क्या होगा माँ? क्या मेरे मांग में सिंदूर भरने वाला कोई नहीं होगा? कोई भी नहीं आएगा माँ? माँ
अरे अरे हट। हट जा मेरी माँ, हट जा, तुझे हाथ जोड़ू या मारू मैं? अरे गाय को माँ कहते हो और ऊपर से मारते हो, शर्म नहीं आती तुमको? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि शर्म का पाठ पढ़ाने वाले का नाम क्या है? मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुम परदेसी लगते हो। अगर परदेसी ना होते तो बड़े बड़े रास्ते छोड़ के छोटी सी सड़क पर ना आते। हूँ तो परदेसी, लेकिन आप कौन है? लखपत सेठ का नाम सुना है? लखपत सेठ, मैं उनके यहाँ रहती हूँ। आप उनके यहाँ रहती है? उनकी एक लड़की भी है ना? आपको तकलीफ थी? बहुत तकलीफ। अब नहीं, अब गाय को हटाने की भी जरूरत नहीं। जिस काम के लिए आया था वो बन गया। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे गांव में आए हो तो पानी वानी पीते जाओ। अब तो मैं इस गांव में मिठाई खाने ही आऊँगा। खिलाएंगे ना आप? जी? आप रोज यहाँ आती हैं? जी। इसी समय? जी। कल भी आएंगी? जी। जरूर आइएगा, मैं भी आऊँगा। कहा था ना जिस काम के लिए आया था काम बन गया। कल जरूर आइएगा, इसी जगह इसी समय, याद से भूलिएगा नहीं। कैलाश नगर के ठाकुरों ने रिश्ता मंजूर कर लिया। धन्यवाद तुम्हारे, धन्यवाद हमारे। अरे पंडित जी देख क्या रहे हो, जल्दी से कोई शादी का शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। जल्दी काहे की, शुभ काम जितना ही जल्दी किया जाए उसी में कन्न कल्याण है श्रीमान। हम मुहूर्त निकाल कर ही लाए हैं। कौन सा मुहूर्त? देखो देखो देखो, फाल्गुन शुक्ल पंचमी अति उत्तम है। करो श्री गणेशाय नमः। आप? तुम्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है, क्या सोच रही है? मैं बताता हूँ, आओ बैठो। तुम यही सोच रही हो ना कि इस गाय ने हमें क्यों मिलाया? इसमें जरूर कोई बात है। क्या? जन्म जन्म के प्रेमियों का पुनर्मिलन। नहीं नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हें देखते ही मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जीवन संगीनी तुम ही बन सकती हो। क्यों, बनोगी ना? गौरी, क्या बात है, आज तो खुशी से तेरे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। मैं कहूँ आजकल तू इतनी खुश क्यों रहती है? अच्छा जी, तो ये बात है, तो तूने भी अपने लिए कोई ढूंढ ही लिया है? तुझसे क्या छुपा है, यूं समझ गया मैया ने हमारा मिलन करा दिया। और तूने पसंद कर दिया, भाग्यवान है। मैं तो अपने होने वाले साजन का सपना ही देख रही हूँ। एक नजर हमें नहीं दिखाएगी हमारे होने वाले जीजा जी को? दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। जी में आता है कि मेरी बेटी की जिंदगी में जहर भरने वाली बुद्धि को एक दंश में खत्म कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं सोचते, कुछ उसके भाग्य पर भी छोड़ो, मदद करना चाहती हो तो करो। माता की तुलना में कोई निकाला।
देखो मेरा खाना आ गया, अब तो तुम खा लो। नहीं खाओगी? ओ अब समझी, नाग माता हमारी मेहमान है, पहले उनकी आवभगत करनी चाहिए ना। दुनिया में प्यार को माता ही इस
देखा मोती, भरी दोपहर में हम इतनी दूर से आए हैं और हमारी सरकार हम सब पर्दा किए बैठी, कोई कदर नहीं। सोचो तो क्या किया जाए। क्या कहा, नाराज है? अरे ये नाराज है तो हमें भी मनाना आता है। माफ कीजिए। नहीं करती, अकेली लड़की देखकर छेड़ते हो, शर्म नहीं आती? मैं समझे मेरी प्रेमिका है। हाँ हाँ, सावन के अंधे को सब हरा ही नजर आता है, और प्रेम का रोग जिसे लगा हो उसे हर लड़की प्रेमिका ही नजर आती है। रोगी हूँ, भोगी नहीं। जो भी हो उसकी वजह मैं नहीं। कसम खाओ आईंदा किसी गैर लड़की को प्रेमिका के नाम से छेड़ोगे नहीं। सिवाय एक के। एक कैसा है? अच्छा है, थोड़ा डरपोक है, रहेगा तेरे काबू में। चुप नालायक। ये सब क्या हो रहा है? मैं समझाती हूँ, ये है मेरी सेठानी। सेठानी? सेठानी तो है ना, पर सगी बहन से बहुत ज्यादा। थोड़े दिनों में इसकी शादी होने वाली है। अच्छा, आप हमें शादी में बुलाएंगी ना? जरूर। और मेरी बहन जब आपके घर आए तो उसे हर हालत में सुखी रखना, इतना सुख देना कि उसे दुख का एहसास ही ना हो। बहना देख लिया, हो गई सिफारिशें? अब समझ गई। अक्ल मन का इशारा काफी है। अक्ल मन को इशारा काफी है। हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ। ये शुरू कर दो। अरे क्या है, अभी तक लगा ही नहीं, भीगा ना दीवार हमारा। अरे जल्दी से तैयार करो, अच्छी तरह से तैयार करना, मुफ्त में दूध नहीं पिलाऊंगा मैं। और ओ पंडित जी, सब ठीक से बोल रहा, अभी तक ये लगता है नहीं है, और जगह नहीं मिलती तो मेरे जगह में लटका दो। क्या करते, बारात आने का समय आ गया तो इसको समझ नहीं पाता। चलो चलो जल्दी। मुझे भूल तो नहीं सकती ना, उस राय में जिसे दुख मिलता है मैसे की याद आती है। तुम मुझे भूल जाना बहना, मुझे भूल जाना, तुम सुखी रहना। लगता है कैदन जी आ गए। चल तू भी एक नजर देख ले, मुझे भी दिखा दे। आजा कितना प्यार करती, मैंने उनके जीवन का अपना पूरा कर दिया।
मैंने हंसते हंसते गौरी को उसका सुहाग लौटा दिया और नग्न मंडप में बैठने के लिए मजबूर किया। गीता तो पागल हो गई है, ये विवाह हमें स्वीकार नहीं है। पंडित जी इसे हटाइए यहाँ से और मेरी बेटी गीता के साथ फिर से विवाह की पूरी तरह कोई नई विधि की जरूरत नहीं है। लखपत जी, अग्निदेव की साक्षी मेरी पत्नी बन चुकी है, अब इस जन्म में मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। पंडित जी ये सब कुछ क्या हो रहा है? आनंद के साथ मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी थी लेकिन फेरे पड़ गए इस नौकरानी से। नौकरानी? आनंद क्या नौकरानी को अपने घर में बहू बना कर ले जाइए? दूसरों के लिए नौकरानी होगी भैया, मेरी तो अब ये धर्म पत्नी बन चुकी है और दुनिया की कोई ताकत इस गठबंधन को नहीं तोड़ सकती। कोई शरीफ आदमी विवाह की वेदी में अपनी अर्धांगिनी को छोड़कर नहीं जा सकता। गौरी, गीता बहन के त्याग से हम एक हुए हैं, हमें उन्हीं का आशीर्वाद देना चाहिए। माँ, तुमने गौरी को कभी प्यार नहीं किया, उसने सदा तुम्हारी सेवा की है, तुम्हें माँ माना है। आज पराई होकर हमारे घर से जा रही है तो एक बार तो बेटी कहकर आशीर्वाद दे दो। आप तो गौरी को आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। हम इसे आशीर्वाद क्यों देंगे? भिखारन, हमारी बेटी का सुहाग लेकर जा रही है लेकिन शादी के गहने लेकर नहीं जाने दूंगा। भागवंती देखती हो क्या? अरे इसे गहने सब के सब निकाल दो। और यहाँ ये तमाशा क्या देख रहे? अरे हटो यहाँ से, चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ से। अरे खाना भी नहीं खिलाऊंगा। अरे यहाँ ले जाइए आपकी माँ रानी को यहाँ से। अरे चलो जी, कितनी देर लगाओगे? आशीर्वाद का भी टूटा है। आओ बेटा, अखंड शोभा की वजह से सबने अपनी होश गवाए। सच सच बताना, ये लाज का घूंघट मेरे लिए उड़ रहा है या समाज के रिवाज के लिए? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये रिवाज के लिए लगता है। इसकी क्या जरूरत थी? आप मिल गए, सब कुछ मिल गया मुझे। ये मेरे प्यार के प्रथम मिलन की निशानी है। निशानी? वो तो मेरे मांग में कब से सजी हुई है। जिस दिन से आपको देखा है उस दिन से पति भक्ति की चुनरी ओढ़ ली मैंने। फिर बातें ही करते रहेंगे। गौरी, गौरी अभी आई। गौरी देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। अपने आप को लाए होंगे। अपने आप को तो लाया हूँ, उसके अलावा क्या लाया हूँ बताओ। बताइए। बताओ। बताइए। मैं तो अरे नजर उतार दी। नजर तो उतार दी, अब तो नजरें मिलाने का भी वक्त आ गया। ये कितनी अच्छी है। इसे पहन। अरे अरे अरे, कोई देख लेगा तो? देखने की चीजें देखेगा नहीं तो और क्या। अच्छा सुनो, जल्दी तैयार हो जाओ फिर मंदिर जाएंगे। और सुनो, बाद में घूमने भी जाएंगे। तो ऐसी खुश हो रही है इसे देवर जी ने बनारस की साड़ी नहीं पूरा बनारस खरीद कर दे दिया हो। खरीद के दे दिया हो? ये साड़ी मुझे दे, अपना काम पूरा कर। पूरा कर? नहीं नहीं, उनको पहन कर दिखाए बगैर मैं कैसे दे सकती हूँ। क्या मुझे ना बोलती है? तेरी ये हिम्मत हमारा दिया खाती है और हम पे ही कुल्लाती है। तभी तेरे बाप के वहाँ। दीदी मुझे जो भी कुछ कहना चाहिए मेरे बाप का नाम मत लीजिए। इस बाप ने अपनी लाडली बेटी को नौकरानी बना दिया, वो बाप का नाम लेके फुर्सत किसके पास है? होगा कोई नीच नालायक। नालायक?
बहुत हो गया, आप भी सुन लीजिए, मैं कुलीन घर की कन्या हूँ, मेरे पिताजी और कोई नहीं, ठाकुर जगत पसंद है। अरे कुछ सुना आपने, हमारे दुश्मन की लड़की हमारी बहू बन गई। दुश्मन की लड़की यहाँ नहीं रह सकती। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे रहती है इस घर में। क्या चली जा, ये कहीं नहीं जाएगी। दुश्मन की बेटी होगी मगर इस वक्त इस घर की शोभा है, इस घर की बहू है। मेरे यहाँ रहने से इस सुखी घर में क्लेश होता हो तो मैं स्वेच्छा यहाँ से चली जाऊंगी। जाना ही पड़ा तो हम दोनों एक साथ यहाँ से चले जाएंगे। भैया जरा सोचने की कोशिश तो करो, पिताजी की मृत्यु के बाद उनके अस्थि विसर्जन के साथ साथ ही ये दुश्मनी भी डूब गई, खत्म हो गई। अब क्यों बार बार गंगा में डूबकी लगाकर उनकी अस्थियों को खोजना चाहते हैं आप? चल चल बहू, इस घर की परंपरा है, इस घर की चौखट में जो भी बहू आई अर्थी इस घर से निकली, जीते जी कभी नहीं गई। सुखी रहो, तुम यही रहोगी, यही रहोगी तुम। अब पता चला कि तू बार बार क्यों बाहर जाती है। इमली खाने, तेरे दांत खट्टे नहीं होते क्या? सच बोलो, बात क्या है? बोलो बोलो ना। ये हुई ना बात। देखो हमारी शादी को इतने साल हो गए फिर भी हमारी गोद नहीं भरी, और शादी के पहले ही साल वो माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है, किसी भी कीमत पे उसकी गोद नहीं भरनी चाहिए। चाहे हम माँ ना बने लेकिन उसको भी मां नहीं बनने देंगे, उसको भी मां नहीं बनने देंगे। हाँ हाँ हाँ, जरा संभाल के कदम रखो गौरी, पांव के नीचे कुछ आ गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी है, पांव के नीचे आ गया या जानबूझकर फेंका गया। मुझे तो इन भाभियों की शरारत लगती है, सच कहता हूं गौरी, अगर तुम कहो तो हम अलग होकर नया घर बसा लेते। नहीं, आज बोले से बोले, फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और भाभियाँ वो तो सगी माँ से भी ज्यादा है। हाँ ये तो तुम जानो, लेकिन ख्याल रखो अपना और मेरे होने वाले बच्चे का। बनने वाली है, हर गांव के साथ तेरे माँ बाप को भी नौता दे दिया है। दे दिया है, देखेंगे इस मौके पर तेरे घर से कौन आने वाला है। कौन आने वाला है? एक नौकराई की गोद बनने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? उस दिन तेरी बदनामी होगी, उसको देखकर हमारे कलेजे को ठंडक पहुँचेगी। ठंडक पहुँचेगी। फिर भी मैं हमेशा तुझे ही तकलीफ देती हूँ, मेरा और इस दुनिया में है ही कौन? भगवान भोलानाथ की दया से
मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी जेठानियाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने श्रीमंत का प्रसंग रखा है। अब इस संकट में मैं क्या करूं? तू ही मुझे बचा सकती है माँ, तू ही मुझे बचा सकती है। बेटी माँ संभल के। बेटी तू मुझे याद भी नहीं करती तो भी मैं तुझे मिलने आने वाली थी। तेरी श्रीमंत की चिंता अब तू मत कर, वो चिंता मेरी है। तेरे ठीक समय को एक जोड़ी तेरा ठीक समय संभालने को आ जाएगी। उसमें जो औरत होगी वो मैं और जो पुरुष होगा वो मेरा पति। माता की तुलना में कोई नहीं आ मान्यवर महामहोपाध्याय वैयाकरण गजेंद्र मर्दन संभीजी, हिमगिरी के उत्तुंग श्रृंग के समान आपका स्वागत दृष्टिगोचर होते ही हम गदगदायमान हो गए। धन्य हो। इन तुच्छ प्राणियों से कुछ अल्प भेंट को स्वीकार करें। दासानुदासो प्रवेशाय भव। दुनिया में प्यार को माता ही लाई, माता ही लाई, इसने ही पहले पहले लोरी सुनाई, लोरी सुनाई। सचमुच बड़ी खूबसूरत है माता, ममता के मंदिर की मूरत है माता। माता की तुलना में कोई नहीं आता, ममता के। क्यों समझन जी, सब कुछ ठीक है ना? अरे ठीक क्या, बहुत है बहुत, बहुत है बहुत। नमस्कार। शतम जीव शरदम आयुष्मान भव। बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं आप। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जमाईराज, ये तो घर से निकलने से पहले ही मैंने कह दिया था कि जरा मौका देख के बात करना। राज खोल दिया ना, पीट दिया ना दीवाला। अजी सारे दिन दीवाला ही पीटते रहोगे, गौरी बेटी से नहीं मिलोगे? अवश्य जरूर जरूर। बेटी सुखी रहे, सुखी रहे, भगवान करे मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सुखी रहो। देख बेटी देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ले ये पहन ले, चढ़ाओ कंगन, अच्छे है ना? बेटी खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, बैठो। आओ बैठो। चलो बेटी अपने घर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, खाना खा के जाइए। खाना खा के जाइए? नहीं माँ, पिताजी सुबह खाना नहीं खाते, सिर्फ दूध पीते हैं। कोई बात नहीं, हम दूध लेके आएंगे, दूध लेके आएंगे। माँ बेटी समधन जी, पीजिए पीजिए समधन जी। समधन हमारा व्रत है, इसलिए हम किसी के सामने खाते पीते नहीं हैं। हाँ दीदी, माँ पिता जी का व्रत है, चलो हम बाहर जाएंगे। आओ तैयार हो जा। हाँ तैयार हो जा। हाँ दीदी क्या हुआ? दीदी तेरे बाबा का काली नाक का जोड़ा, काली नाक का जोड़ा। नहीं नहीं,
वो तो माँ पिताजी हैं। आओ देखो आओ। ये तो माँ पिताजी हैं। अभी तो नाग देखे थे। नाग देखे थे। आपको भ्रम हुआ होगा। समदन जी दूध का मजा आ गया। चलो बेटी चलो। सचमुच जा रही हो। अपना ख्याल रखिएगा। 5 महीने तो देखते ही बीत जाएंगे। ये 5 महीने मेरे लिए 5 साल के बराबर होंगे। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। गौरी चलो बेटी समय बीत रहा है। चलो आप फिक्र न करें। प्रणाम पिताजी। अखंड सौभाग्यवती। लेकिन तुम्हारे साथ ये मानव कन्या कौन है? तुम उसे यहाँ क्यों लाई हो? पिताजी ये गौरी है मेरी मानी हुई बेटी। पृथ्वीलोक में ये बहुत दुखी थी। इसका वहां कोई नहीं। ये मां बनने वाली है पिताजी इसीलिए मैं उसको यहाँ ले आई। आशीर्वाद दो। हाँ, पिताजी आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटी। अखंड सौभाग्यवती अतिथि का आदर ये नागलोक की परंपरा है। मेरे आशीष तुम तेजस्वी पुत्र की मां बनो। पृथ्वी लोक से जब वापस जाओ तब इस लोक की स्मृति हमेशा बनाए रखने के लिए तुम अपने पुत्र का नाम नागेंद्र रखना। जैसी आज्ञा। सुखी रहो सुखी। गौरी लड़का हुआ। पिताजी की बात सच निकली। ये ले तेरा नागेंद्र बड़ा रो रहा है। सुखी रहो बेटी। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत सुना सुना लगेगा। लेकिन बेटी माँ बाप के घर कितने दिन रह सकती है? गौरी गौरी बेटा अखंड सौभाग्यवती भव माँ भी तुम्हारी रक्षा करे। नागेंद्र का ख्याल। हे भोलेनाथ आपकी कृपा से नागेंद्र का जन्म हुआ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। जब इसके पिता इसका मुंह देखेंगे तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। प्रभु मेरे सुहाग और बच्चे की रक्षा करना। बहन जी आप जरा हट जाइए। बहन जी जरा आप यहाँ से हट जाइए। महात्मा जी पधार रहे हैं। महात्मा जी? हाँ वो त्रिकाल ज्ञानी है। भविष्य और भूत मुंह देखने के साथ ही सब कुछ कह देते हैं। क्या कह रही हो? हाँ बहन ये सच है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज मेरे नागेंद्र को आशीर्वाद दीजिए। अवश्य। आयुष्मान 32 लक्षणों वाला अलौकिक बालक है ये। पराक्रमी और परदुख भंजन। परंतु परंतु क्या महाराज? इस बच्चे का मुंह इसके पिता ने देखा है? नहीं महाराज मैं भी वहीं जा रही हूँ। नहीं बेटी इसे वहां मत ले जाना। क्यों? अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? हाँ। कैसा अनर्थ? अब कहना क्या चाहते हैं? हृदय पर पत्थर रख कर विधि का लेख सुन। जब तक ये बालक 5 वर्ष का न हो पिता पुत्र का मिलन नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर हुआ तो पिता की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। नहीं। अरे
माँ जी। बाबूजी प्रणाम। गौरी कैसी है? अरे आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे अपने जमाई को पहचानते ही नहीं। जमाई को पहचाना नहीं? लो पी पिया ना दिवाला, हमने कौन सी बेटी ब्याई है तुझसे भाई? हमारी तो एक ही बेटी है और वो राज कर रही है ससुराल में। मान मान मैं तेरा मेहमान। ये क्या कह रहे हैं? आपको याद है कितनी धूमधाम से गौरी के श्रीमंत में उसकी गोद भरने आए थे आप? क्या कहा? हम आए थे? हाँ आप ही तो आए थे। और बच्चे का जन्म यहाँ कराने कितने प्यार से उसे अपने साथ लेकर आए थे। लो पीट दिया ना दिवाला, गौरी दो कौड़ी की नौकरा दी, हमें उससे लेना देना क्या कि हम उसे अपने घर लाते? जाओ भाई जाओ, अपना रास्ता नापो, कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे। चलो जी। ये सब क्या हो रहा है? मेरी गौरी कहाँ है? भगवान ये कैसी कठोर परीक्षा, न जाने मेरी गौरी कहां चली गई। उसे लड़का हुआ ये लड़की कुछ न जाने वो कहां होगी। हे भोलेनाथ, ये कैसी कठोर परीक्षा है, आज वो मेरे सामने है फिर भी मैं मिल नहीं सकती। अब मैं इस बालक को लेके कहां जाऊं? तो मत रो सुहागन तेरे लिए अब आंसू बहाना है मना। मत रो सुहागन तेरे लिए अब आंसू बहाना है मना। किस्मत के पासे पलट गए हैं, किस्मत के पासे पलट गए हैं। पिया घर जाना है मना, पिया घर जाना है मना। शोभा ना देता दुख में बिलकना, तुझ जैसी फुलवंती को ऐसी ही पीड़ा मिली थी एक दिन सीता और दमयंती को। जो बात हो गई उस बात को अब होठों पे लाना है मना, होठों पे लाना है मना। मत रो सुहागन तेरे लिए अब आंसू बहाना है मना। किस्मत के पास पलट गए हैं, किस्मत के पास
पलट गए हैं, पिया घर जाना है मना, पिया घर जाना है मना। का सपना देखना पगली, कांटों में अब तुझे रहना है। विधि ने दिया तुझे देश निकाला, ये दुख अब तुझे सहना है। तेरे लिए अब साजन के पथ पर आंखें बिछाना है मना, आंखें बिछाना है मना। मत रो सुहागन, तेरे लिए अब आंसू बहाना है मना। किस्मत के पास पलट गए हैं, किस्मत के पास पलट गए हैं, पिया घर जाना है मना, 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 पिया घर जाना है मना। शान में रहने वाली, खप्पर में खाने वाली, जय मां तेरा सदा काल जय हो। शिष्यगण, मां महाकाली को प्रसन्न करके परम सिद्धि प्राप्त करने में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, तो आज पूरी हो गई। देखो ये 32 लक्षण वाला बालक, समय आने तक इसकी ठीक से देखभाल करो। जैसे आज्ञा महाराज। मां तुम आ गए, आओ मैं तुम्हें नागेंद्र को दिखाऊं। नागेंद्र कहाँ गया? नागेंद्र मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, नागेंद्र, नागेंद्र कहाँ चला गया? हे भगवान, अब क्या होगा? माँ, माँ मेरे बच्चे को कौन उठा के लेके गया? माँ, ओ माँ, माँ मेरे बच्चे को कौन उठा के लेके गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा क्या होगा माँ? हे नागमाता, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना माँ। शांत हो जा मेरे बाप, शांत हो जा। ये तो शांत होता नहीं है, अब क्या करेंगे? ये ले, मुंह में डाल दे कपड़ा। हाँ हाँ, अब शांत हो गया। चलो Thank you.
बुलाए जुला जुला के मन में बड़े मुस्काए दुख भई जुला जुलाए उसी तरह 5 साल तक तपस्या करूंगी। अपने भाग्य के लेखा को अकेले ही सहन करूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि हर कठिन परीक्षा में मैं खरी उतर सकूं। गौरी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। गौरी, ये लो नागमणि, इससे जब तुम चाहोगी नागलोक में आ सकोगी। तेरे अनंत उपकार है मां। गौरी, ये है तुम्हारा घर। अच्छा मां, सुखी रहो। बचाओ मुझे, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, बचाओ। अरे तुम, मेरे पुराने सभी गलतियों को माफ कर दो, लीजिए, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लीजिए। उसको मारो, 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 मारो। क्या हुआ? यहाँ पर बदमाश भाग क्या गया? बदमाश? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। बहन कहते हैं सच कहती हूँ, चलो। कई साल भी बढ़ा रहेगी, इस साल भी वही हाल। हमें कुछ करना चाहिए मुखिया जी, नहीं तो हम गरीब मर जाएंगे। जय शंकर, जय शंकर, जीते जीते। भक्तो, जड़ मूल को छोड़कर पत्तों में क्या टटोल रहे? महाराज, हमारे संकट का उपाय की। एक उल्टा नारी अपना पाप लेकर तुम्हारे यहाँ आई। जब तक भाई क्यों नहीं, तू कौन है, कहाँ से आई है, ये तेरे पास बच्चा किसका है? देखा आप लोगों ने, इस उल्टा के पास कोई जवाब नहीं, यही इसके पाप का प्रमाण। बोल, तुझे कुछ कहना है? नहीं बोलती, नहीं बोलती, जिंदा जला दो इस कुल्लो। फेंको। किस अपराध की सजा दे रहे हैं आप मेरी धर्मपत्नी को? पत्नी? ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन स्वामी जी तो कहते हैं। स्वामी? इस पाखंडी के कहने पर एक सती पर अत्याचार करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? पहचानिए इसे। ओ, मारो, 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 या। मैं तुमसे नहीं, अपने बच्चे से मिलने आया हूँ। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? उधर रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए, मैं आपके पास पड़ती हूँ। गौरी बेटी, मैं अभी भी कहती हूँ अपने बच्चे को लेकर मेरे साथ चलो।
बेटा नागेंद्र इतना बड़ा हो गया? हाँ माँ, आपकी दया से 2 साल का हो गया है। 2 साल बीत गए हैं, बाकी समय भी बीत जाएगा। पांच साल बीत गए, मेरा ख्याल है कि अब तो गौरी को भूल जा। नहीं भैया, मैं गौरी को नहीं भूल सकता। से नहीं रहते, तेरा जन्म तो नागलोक में हुआ है ना। चल बता कहाँ है नाग। जय नाग देवता। दिवाली आ रही है, तैयारियां हो गई?
बेटा तू जंगल में क्या कर रहा है? तेरा घर, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? सबके पिताजी होते हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ तुमका क्यों मेरी बड़ी हवेली है, तुम यहाँ जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? बेटा तुझे कैसे समझाऊं, ये सब समझने के लिए तू भी बहुत छोटा है। छोटा हूँ? जब पढ़ाने बैठते हो तो कहते हो इतना बड़ा हो गया कुछ आता नहीं, जब कुछ पूछता हो तो बताते नहीं, तुम सब झूठ बोलती हो। नहीं बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। माँ उम्र से बड़े बड़े सवाल पूछता है, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? हम समझाते हैं बेटा नागिन। सच? बिल्कुल सच। माँ 7 दिन के बाद पिताजी मिलने वाले, इतनी सी बात भी तुम नहीं बता सकती? गौरी इतनी उदास थी, 2 दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकली, चूड़ी कंगन भी नहीं बेचे। क्या करूं माँ, पैर ही नहीं उठते। कोशिश करो। उठा ले चूड़ियां और चल मेरे साथ। चूड़ियां ले लो झटपट पैसा निकालो रे, ये चूड़ियां हैं ये अनमोल। हाँ गोरे गोरे हाथों को सजा लो रे, हाँ चूड़ियां लाई अनमोल। ये चूड़ियां अनमोल बहना, देखो कलाई पे डोल। झटपट
झटपट हाँ झटपट पैसा निकालो रे ये चुड़िया है अनमोल गोरे गोरे हाथों को सजा लो रे हाँ चुड़िया लाई अनमोल ये चुड़िया अनमोल बहना देखो कलाई पे तो झटपट गौरी कौन गौरी कौन गौरी ये क्या कह रही है कितने सालों के बाद मिली अरे गौरी पर तो ये चूड़ियां क्यों बेच रही है आनंद कहाँ है कोई नन्ना मुन्ना बहन आपको गलतफहमी हो रही है आप जो समझ रही हैं मैं वो नहीं मामा मुझे झूले में बिठाओ ना बाद में गौरी आखिर बात क्या है तू अपनी बचपन की सहेली को पहचानना क्यों नहीं चाहती मुझे जाने दीजिए माँ बताओ ना कहा ना बाद में बेटे मैं तेरी मौसी तेरा नाम क्या है मेरा नाम नागेंद्र है और तेरी माँ का नाम मेरी माँ का नाम कमला मैं आपको कैसे अपनी बहन की बात करती बचपन की सहेली के साथ इस तरह का बेरुखी का बर्ताव करते हुए मुझे कितना दुख हुआ मैं तेरा भय तेरी पीड़ा अच्छी तरह समझती हूँ पर तू ये क्यों नहीं समझती तेरी 5 साल की कठोर तपस्या पूरी होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है तो फिर मेरा जी क्यों घबरा रहा है कहीं कुछ अमंगल तो नहीं होगा ना माँ नहीं 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 भगवान पे भरोसा कर 2 दिन बाद दिवाली की काली रात बीतते ही तेरे दुखों का अंत हो जाएगा और फिर तू तेरे पति से खुद जाके मिल सकेगी और राजेंद्र को इसके पिता से मिलवा सकेगी माँ मेरे पिताजी मुझसे मिलेंगे ना बोलो ना माँ आप आ गए मैं अभी का इंतजार कर रही थी मेरा इंतजार हाँ मैं पूछने आई हूँ कहाँ है मेरी बहन मैंने कितने अरमानों से आप दोनों की शादी करवाई थी सिर्फ उसकी खुशी के लिए दुनिया की ठोकरें खाने के लिए नहीं मैं पूछती हूँ कहाँ है मेरी बहन क्या हक था तुम्हें घर से बाहर निकाल देने का गीता जरा शांत हो मेरी बात समझने की कोशिश करो सुनना क्या है सिर्फ यही ना कि मेरी बहन झगड़ा करती थी तुम्हें दुख देती थी ऐसी बात नहीं है गीता आज से लगभग 5 साल पहले गौरी के माँ बाप उसके प्रसव के लिए उसे अपने घर ले गए और जब मैं उसे लेने के लिए पहुंचा तो उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया उसके बाद मैंने गौरी को कहां कहां नहीं ढूंढा हर जगह मैं गौरी को ढूंढ रहा हूं आज दिन तक मैं गौरी को ढूंढ रहा हूं कुछ गड़बड़ जरूर है जब गौरी मुझे मिली तब पहचाना तक नहीं गौरी तुम्हें मिली हाँ हमारे गांव के बाजार में साथ में एक बच्चा भी था इसका मतलब यह है कि गौरी यहीं कहीं आसपास है अब मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा अच्छा क्या तुम जानते हो तुम्हें किस कारण यहां बुलाया गया है आदेश प्रभु एक बार तो तुम्हें मृत्यु का अनुभव हो ही गया किंतु नाग देवता के अमृत से तुम्हें नव जीवन मिला लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि वही अमृत तुम्हें दोबारा जीवन नहीं दे सकता मैं ये जानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि सारे नाग लोक में तुमसे जहरीला नाग कोई नहीं किसको डसना है तुम्हारी पत्नी जिसे बेटी कहती जिसे तुमने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया उसी गौरी के पति आनंद नहीं ऐसा नहीं हो सकता यही विधि का विधान है और भावना से कर्तव्य मान है दक्षक दिवाली की रात को जब पिता पुत्र का मिलन होगा तब तुम्हें आनंद को डसना होगा और मैं जानता हूं कि तुम्हारा कांटा बच नहीं सकता किंतु भावना में आकर अगर तुमने जहर चूसने की कोशिश की तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु होगी जाओ आज्ञा का पालन करो नागेंद्र बेटा नागेंद्र क्या है
बेटे, आज दिवाली है। हमारे दुख के दिन बीत गए। अमावस्या काली रात बीत जाते ही हमारे जीवन में सुख का सूरज उगेगा। कल सवेरे मैं तुझे तेरे पिता की हवेली में ले जाऊंगी। सच? मुझे मेरे पिताजी मिलेंगे? हाँ बेटा, तुझे तेरे पिताजी मिल जाएंगे। चल आज बाजार जाके हम खूब सारे फटाके खरीदेंगे। आज हमारी जिंदगी में सुख की फुलझड़ियां खिलेंगी। तुम क्यों चलोगे? अब मैं बड़ा हो गया हूँ और तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलूंगा तो पिताजी मस्ती करेंगे। अब मैं अकेले ही जाऊंगा। झटपट पैसा निकालो माँ, झटपट। मैं जाता हूँ माँ। जल्दी आना बेटा। आज तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इससे पहले इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। मेरी बेटी से 5 साल पहले जो खुशी अच्छी ले गई थी वो सोना सिंगार करके वापस आई है। आप चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? मर्जी आपकी। मैं तो आज बहुत 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 खुश हूँ। सारे नाग लोग में दीप जलाऊंगी, दिवाली मनाऊंगी। चाचा चलो फटाके लेने चले, कल मुझे मेरे बापू मिलेंगे। चलो आती चाचा, जल्दी करो। बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। बच्चे तू मुझे वहाँ तक छोड़ देता है? नहीं चाचा, आज दिवाली है, मैं पटाखे लेने जा रहा हूँ। कल मुझे मेरे बापू मिलेंगे। अम्मा, ओ प्रभु भगवान। बेटा तेरे को फटाके चाहिए ना? मैं तेरे को ढेर सारे फटाके दूंगा, लेकिन तू मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। हाँ बेटा, हाँ फटाके। अरे फटाके क्या बेटे, सारी दुनिया का सुख मैं तेरे नन्हे नन्हे हाथों में रख दूंगा। तू मांग मांग के थकेगा, लेकिन मैं देते हुए नहीं थकूंगा। शिष्यों जी, ये देवी बालक की पूजा के लिए पुष्प लाओ, कुमकुम लाओ और गुलाल लाओ। देखते क्या हो, जाओ जल्दी करो। तक नहीं आया, बहुत है। ये तो गौरी की गाय माता, जरूर गौरी यही है। गौरी 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 गौरी, कहाँ गुम हो गई तू मुझे छोड़कर? गौरी कहाँ चली गई तू? गौरी गौरी कहां कहां तुझे ढूंढा मैंने। गौरी गौरी कैसी है तू, बोलती नहीं। गौरी 5 साल हो गए, इस तरह की कभी रूठा करते हैं? भाभियों ने तुझे बहुत तंग किया ना, उसका गुस्सा तुम मुझ पे निकालोगी? गौरी माँ बनने के बाद अगर तुझे उस घर में नहीं आना था तो मुझसे कहती, मैं तेरे लिए आलीशान घर बना देता। गौरी गौरी नहीं गौरी, इस तरह नहीं रूठते गौरी। कभी तुमने सोचा कि बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी? मेरा बेटा कैसा है, कहाँ है वो? ना 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 गौरी, ना 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 ना, रोते नहीं गौरी, रोते नहीं। क्या नाम रखा है तुमने उसका? गौरी गौरी तुम बोलते क्यों नहीं? गौरी क्या नाम रखा है हमारे बेटे का? नाकी मेरा बेटा,
बेटा नागेंद्र, बेटा नागेंद्र, नागेंद्र। महान है। क्या हो रहा है आपको? आप बोलते क्यों नहीं? आपको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? ना पिताजी मिले, लेकिन उनको एक नाग ने तस लिया। सिर्फ एक दिन बाकी था और नसीब ने मुझे लूट लिया। मेरी बरसों की तपस्या में मिल गई। तुझे क्या मिला, क्या मिला प्रभु? ले ले, ले ले मेरे प्राण। अब मुझे नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना। ये क्या कर रही माँ? बेटा, इस दिन को रोकने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अनहोनी हो गई रही। किसी महात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि 5 साल का होने पर तेरे बापू ने तुझे देख लिया, 7 साल से उनकी मृत्यु होगी। और 5वें साल का आखिरी दिन था। मैं कितना मनुष्य हूँ,
मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ तुम तो कहती थी मेरा जन्म नागलोक में हुआ, तो मेरे बापू को नाग में देख लिया, ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। मैं नागलोक जाऊंगा, जवाब मांगूंगा, मेरे बापू को वापस लाऊंगा। नहीं बेटा नहीं, नाग माता के हम पे बहुत एहसान है, मैं उन्हें और दुख देना नहीं चाहती। मेरे भाग में जो लिखा था वही हुआ। ना माँ मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है तो ये ले नाग मणि। कल सवेरे तक मैं तेरा इंतजार करूंगी, तू अगर नहीं आया तो मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी। ना माँ कल सवेर होते ही मैं लौट आऊंगा। बालक तुम कौन हो और नागलोक में कैसे है? नागमणि से, मुझे नागराज से मिलना है। नहीं नहीं इस वक्त तुम नागराज से नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। कीमत तुमसे मैं करने
चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं कि इस मासूम के पिता को रखने वाला नाग इस वक्त कहां है, कौन है, कौन है वह नाग जिसने हमारे दिए हुए अखंड सौभाग्यवती के वरदान का अपमान किया है। सब चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? मासूम के पिता को दसा है वो तुरंत ही मेरे सामने आए। अगर मेरे प्राणों की आहुति इससे प्राचित हो सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। पिताजी, अगर गौरी के पति के प्राण वापस आ सकते हैं तो मैं अपना सुहाग दान देने को तैयार हूं। सुहाग के लिए भीख मांगने वाली तो अपने सुहाग का दान हंसते हंसते दे सकेगी। मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं अपना सुहाग का दान जरूर दूंगी।
धम के बलिदान जी है ये बेला। ऐ दिशाओ जरा देखो तुम क्या खेल विधि ने खेला। ये बातें कभी कभी होती इस दुनिया के दरमियान। एक बेटी के लिए बेटी के लिए सुहागन माँ आज देगी सुहाग का दान। देखो देखो है जमीन देखो आसमान। झुका लो बड़ी पावन है ये माता। ऐ माटी के पुतलों देखो क्या होता प्रेम का नाता। कभी कभी होती सदियों में ऐसी कुर्बानी महान। एक बेटी के लिए एक बेटी के लिए सुहागन माँ आज देगी सुहाग का दान। जरा ध्यान से देखो ध्यान से जरा ध्यान से देखो देखो होके सावधान। एक बेटी के लिए सुहागन माँ आज देगी सुहाग का दान। देखो देखो हे जमीन देखो के लिए अपना सुहाग उजाड़ दिया। ऐसा क्यों किया मां? ऐसा क्यों किया? आज बेटी मां से पूछ रही है ऐसा क्यों किया। हरी पगली, बेटी के सुख के लिए सब कुछ करना मां का फर्ज होता है। वो फर्ज मैंने निभाया। अगर मां का फर्ज बेटी को सुखी करना है तो बेटी का फर्ज भी मां को सुखी करने का होता है। मुझे सुहाग चाहिए माँ, और तुम्हारे सुहाग के बदले में नहीं। हे भोलेनाथ, अगर मेरा जीवन पवित्र रहा है तो मेरी माँ का सुहाग वापस कर दे, या मेरे प्राण ले ले, मेरे प्राण ले ले। उठो प्रभु, जागो, पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा अनर्थ हो रहा है। जागो प्रभु, जागो। मेरा जान बंद करने का साहस तुमने क्यों किया गौरी? मैं विवश थी प्रभु। पृथ्वी पर एक माँ ने अपनी मानी हुई बेटी के लिए सुहाग दान देकर अपना नाम अमर कर लिया। परंतु जिसके लिए उसने वो दान दिया वो स्वयं अपने प्राणों की आहुति देने पर तुली है।
रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। धन्य है वो नागरानी, धन्य है वो गौरी, सहास तुम्हें।